हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही सिंपल टेक्निक्स यूज़ करेंगे और कुछ ऐसा इफेक्ट क्रिएट करके देखेंगे जो कि आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हो अपनी मार्केटिंग बैनर वगैरह के लिए, वेबसाइट के लिए, या फिर नॉर्मल अपनी फोटो को एडिट करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लेयर लेना है। लेयर का मैंने साइज़ जो रखा है यहाँ पे अप्रॉक्स 3000 बाय 1800 मैंने यहाँ पे साइज़ रखा हुआ है। और यहाँ पे क्या है, सिंपल मैं यहाँ पे पहले एक इमेज को इंसर्ट करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक करता हूँ और एम्बेडेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो भी आपकी पिक्चर है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर देना। इंसर्ट करने के बाद आपको बैकग्राउंड यहाँ से ज़रूर से रिमूव करना है, तो उसके लिए मैं एक सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ। नॉर्मल सिलेक्शन बनाता हूँ इस यहाँ पे पर्सन के आसपास, और सिलेक्शन अगेन हमेशा की तरह एकदम एक्यूरेट नहीं आएगा, आपको सिलेक्शन को करेक्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पे पहले मैं मास्क आउट पे क्लिक कर देता हूँ और जो पार्ट यहाँ पे मेरे को हटाना है उसके ऊपर मैं यहाँ पे मास्क के ऊपर पहले मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं ब्रश ले लेता हूँ, ब्लैक कलर का मैंने ब्रश लिया हुआ, और इस मास्क के ऊपर आपको पहले क्लिक करना है। इस मास्क के ऊपर क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करोगे अपने यहाँ पे ब्रश को, तो वो आपके पार्ट को इरेज करने लगेगा। इरेज इन द सेंस, ये इरेज नहीं करता एक्चुअल में, ये आपके पार्ट को हाइड कर देता है। ठीक है, व्हाइट कलर का ब्रश आपका यहाँ पे वो विजिबल कर सकता है दोबारा, और ब्लैक कलर के ब्रश के थ्रू हम उतने पार्ट को हाइड कर सकते हैं टेम्प्रेरी टाइम के लिए। ठीक है, तो इस पार्ट को मैं बहुत ही स्मूथली यहाँ पे इरेज करता हूँ। और आपको एक और चीज़ समझा दूँ कि आपको अगर ब्रश का साइज छोटा बड़ा करना है शॉर्टकट की के थ्रू, तो ये उनकी शॉर्टकट कीज़ हैं इंक्रीज़ करने के लिए और डिक्रीज़ करने के लिए। आपको अपने कीबोर्ड में दोनों ही कीज़ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मेरे को विजिबल करना है, तो अगेन यहाँ पे मैं पहले क्या करता हूँ, पहले जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैं उनको हटा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं भी अभी भी ब्लैक कलर यूज़ कर रहा हूँ। अब मेरे को यहाँ पे जो पार्ट विजिबल करना है, फॉर एग्जांपल इसकी सेकंड आई यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हुई है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक्सप्रेस करूँगा। एक्सप्रेस करने से क्या हुआ कि यहाँ पे सिंपल हमारे पास वाइट कलर आ जाता है। आप एक्स एक शॉर्टकट की है कलर्स को स्विच करने की, जो कि आपको यहाँ पे कोने में जो कलर्स दिख रहे हैं उसको आप स्विच कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हेयर्स के केस में थोड़ा सा पार्ट अलग होता है हमारा। हेयर के केस में आपको यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और सिलेक्टेड मास्क पे क्लिक करना है। मास्क पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक कुछ ऐसे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे जिसके अंदर आपको जो ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन दिख रहा है आपको 45% तक रखना है, और ये सेकंड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इसका नाम है रिफाइन एज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ब्रश का साइज नॉर्मल रखना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं ज़्यादा छोटा भी नहीं, और यहाँ पे जस्ट एक बार एक स्ट्रोक डाउन यहाँ पे ड्रॉ करना है बालों के ऊपर, बस एक बार ही यूज़ करना है। इसको मल्टीपल टाइम यूज़ करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो यूज़ करने के बाद जस्ट ओके पे क्लिक कर दो, तो आपके हेयर्स काफ़ी अच्छे तरीके से वो डिटेक्ट कर पाएगा। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा पार्ट्स आ गए हैं उसको हम नॉर्मली अगेन यहाँ पे मैं ब्लैक कलर के थ्रू पेस्ट यहाँ पे मैं पेंट कर देता हूँ ताकि वो पार्ट हाइड हो जाए जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये वाले पार्ट को मैं यहाँ पे जैसे हाइड कर देता हूँ, जो जो पार्ट हमें नहीं चाहिए। हाइड करने के बाद ये हमारा ऑलमोस्ट मॉडल कटआउट हो गया है बैकग्राउंड से। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे कंट्रोल टी करके इसको पोजीशन देता हूँ, जहाँ भी आपको चाहिए वो पोजीशन आप यहाँ पे रख सकते हो। और मैं यहाँ पे साइज इंक्रीज़ करता हूँ, यहाँ पे जो कंट्रोल टी करके जो ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन आते हैं उसके थ्रू आप साइज इंक्रीज डिक्रीज पोजीशन चेंज करना हर एक चीज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, टिक पे मैं क्लिक कर देता हूँ, थोड़ा सा और मैं ऊपर की तरफ रखता हूँ इस पार्ट को। ठीक है, टिक पे क्लिक कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे मैं करता हूँ, अब मैं लिखता हूँ फॉन्ट। ठीक है, टेक्स्ट टूल हम ले लेते हैं, आप कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहो टेक्स्ट लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ एक वर्ड फैशन, सभी वर्ड्स मैं कैपिटल में लिखूंगा ताकि कैपिटल वर्ड्स के अंदर ज़्यादा एरिया कंज्यूम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ इसको हर एक वर्ड को नीचे लाने के लिए। ठीक है, और इसके अंदर कई सारे ऑप्शंस और भी होते हैं टेक्स्ट के रिगार्डिंग, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं अभी। ठीक है, और आपको ज़रूर से ना कोई बोल्ड फॉन्ट लेना है, मतलब मोटा मोटा फॉन्ट लेना है ताकि आपकी इमेज उसके साथ अच्छी लगे। मतलब अगर बहुत पतला फॉन्ट होगा तो इतना अच्छा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो जाने के बाद अब क्या करना है, सिंपल यहाँ पे मैंने इसको सेंटर भी कर दिया और यहाँ पे पोजीशन भी इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। पोजीशन रखने के बाद अब क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आपको इस वाले फोल्डर पे क्लिक करना है। इस फोल्डर के अंदर हर एक ऑप्शन जो कि टेक्स्ट रिगार्डिंग होता है आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आप फॉन्ट का साइज़, फॉन्ट की यहाँ पे जो विड्थ है या उसकी जो डिस्टेंस है वो भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। डिस्टेंस कम ही रखना है जितना मैंने अभी रखा है, और मूव करता हूँ मैं इसको अगेन, थोड़ा सा मैं उसको ऊपर की तरफ लाता हूँ। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, सिंपल यहाँ पे हम इस पार्ट को रास्टराइज पे चेंज कर देंगे। राइट क्लिक करके मैंने रास्टराइज किया है, इसी सेक्शन में आपको राइट क्लिक करना होता है। और इसके लिए मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सी लेयर कहाँ पे है। और इसको मैं एक डुप्लीकेट कॉपी बनाता हूँ कंट्रोल जे करके, और इसकी डुप्लीकेट कॉपी मैं उस फैशन वाले वर्ड के ऊपर रख देता हूँ, और राइट क्लिक करके जो मास्क है मैं वो हटा देता हूँ।
ठीक है, ये वाली कॉपी अब फैशन वर्ड के ऊपर ही रहे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिपिंग मास्क भी लगा देता हूँ। तो ये इमेज सिर्फ क्लिपिंग मास्क हो गई है उस वर्ड के ऊपर। ठीक है, अब करना क्या है, मैं एक और लेयर लेता हूँ। ठीक है, सिंपल मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर बनाता हूँ जिसके ऊपर मैं बॉर्डर्स बनाने वाला हूँ फॉन्ट के, ताकि वो फॉन्ट थोड़ा अलग रहे। यहाँ पर मैं कंट्रोल दबा के इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके सिलेक्शन के बेस पे मैं काम करूँगा सिलेक्टेड लेयर के ऊपर। मतलब सिलेक्शन मैंने यहाँ से लिया है, काम मैं इस वाले लेयर के ऊपर कर रहा हूँ। मैंने फाइल पर जाता हूँ, सॉरी एडिट पर जाता हूँ और स्ट्रोक पर क्लिक करता हूँ। 15 पिक्सल्स मैंने यहाँ पर स्ट्रोक रखा है, वाइट कलर रखा है, आउटलाइन रखा है, और ओके पे क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हो कि आपका जो फॉन्ट का आउटलाइन है वो अलग से निकल के आ रहा है और आप इजीली उस वर्ड को पढ़ पा रहे हो। ठीक है, अब करने के बाद हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है, हमें बस एक्सटर्नल जो एडिशनल पार्ट है उसको इरेज करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन मास्क पे क्लिक करूँगा और ब्लैक कलर से पेंट करूँगा। ब्लैक कलर मैं यहाँ पे ब्रश के थ्रू ले लेता हूँ, बाय डिफॉल्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है तो मेरे को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रश ले मैंने ले लिया और यहाँ पे मेक श्योर आपका कैप्स लॉक ऑफ रहे, तभी आपको ना सर्कल वाला ब्रश देखने को मिलेगा। मैं साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ और जल्दी से यहाँ पे जो भी एक्सटर्नल पार्ट्स हैं मैं उनको इरेज़ कर देता हूँ, ताकि हमारे जो वर्ड के उस साइड वाले पार्ट्स होंगे ना, बस मेरे को वही शो करने हैं, इस लेफ्ट साइड वाले पार्ट्स मेरे को शो नहीं करने हैं। तो मैं उन सभी पार्ट्स को यहाँ से इरेज़ ईजिली कर देता हूँ। ठीक है, और आप भी यहाँ ध्यान रखना, जो ओ है मैं उसके इंटरनल पार्ट को भी इरेज़ कर दूंगा, वो भी बेटर रहेगा, लुक अच्छा आएगा एक थोड़ा सा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने इरेज़ कर दिया है। इरेज़ करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री टेक्स्ट भी लिख देता हूँ। टेक्स्ट मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, यहाँ मैं जस्ट उसको टेक्स्ट टूल के थ्रू पेस्ट करता हूँ और फॉर्मेट करता हूँ। ठीक है, साइज़ मैं छोटा कर देता हूँ और यहाँ पर सिंपल इतना साइज मेरे ख्याल से इनफ रहेगा, और यहाँ पे मैं जस्ट पेस्ट करता हूँ। ज़रूरी नहीं है, जस्ट ये आपको एडिशनल अगर आपको चाहिए कोई टेक्स्ट वगैरह भी आसपास हो, खाली खाली एरिया ना लगे, तो उसके लिए आप कर सकते हो। और यहाँ पे मैं अगेन मैं उन्हीं टेक्स्ट टूल्स का यूज़ कर रहा हूँ, हाइट वगैरह उनकी कम कर रहा हूँ और यहाँ पे जो साइज़ वगैरह है वो भी मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। लेफ्ट साइड मैंने सॉरी राइट साइड मैंने अलाइन कर दिया है टेक्स्ट को। ठीक है, और यहाँ पे मैं साइज़ और ज़्यादा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, मैं हेडिंग को थोड़ा बड़ा कर देने वाला हूँ अभी के लिए, और ठीक है इतना मेरे ख्याल से इस पोजीशन में इनफ रहेगा। और यहाँ पे जो हेडिंग है मैं थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करता हूँ अलग से, ताकि मैं इसका अलग से साइज़ इंक्रीज़ कर पाऊँ, और यहाँ से मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। उप्स, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगेन इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और ठीक है, तो यहाँ पे साइज़ सिलेक्शन नहीं हुआ मेरे ख्याल से। ठीक है, तो यहाँ पे साइज़ अगेन इंक्रीज़ कर देता हूँ और इसकी हाइट मेरे को अलग से बढ़ानी पड़ेगी, तो मैंने इतने पार्ट को ही सिलेक्ट किया हुआ, तो हाइट भी इसी की सिर्फ बढ़ेगी, तो मैं इसकी हाइट इंडिविजुअली इंक्रीज़ कर देता हूँ। हाइट नहीं है, बेसिकली डिस्टेंस है आपके लाइन्स के बीच का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिंपल हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है, और मैं थोड़ा सा इसको मूव भी करना चाहूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे मतलब डिवीज़न है, जो हमारे डिस्प्ले का पार्ट है उसके अंदर आधे पार्ट में चाहता हूँ ग्राफिकल पार्ट रहे और आधे पार्ट में हमारा थियोरिटिकल पार्ट रहे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिज़ाइंस बना सकते हो। तो होप सो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा आज की इस वीडियो के अंदर भी, और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए ज़रूर से मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, उल्टा बोल दिया मैंने, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।